आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीखे हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका अगला अध्याय और नया अध्याय अध्याय चार, जिसका शीर्षक है असली माँ। इसमें दो औरत रहती हैं, यानी दो माँ रहती हैं और एक बेटा रहता है, और दोनों माँ कहती हैं कि यह मेरा बेटा है या मेरा बेटा है। तो इस पर फैसला होता है, तो उसी के संबंधित, बेटा और माँ के संबंधित ही यह कहानी है। यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आप इस कहानी को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कहानी को प्रारंभ किया जा रहा है। बिलासपुर नामक गांव में शारदा और कंचन नाम की दो सखियां रहती थी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिलासपुर गाँव का नाम है बिलासपुर, वहाँ पर शारदा और कंचन दो सखियाँ रहती थी। ठीक है, दोनों में गहरी क्या थी, मित्रता थी, गहरी मित्रता। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों सखी अपने अपने घर के आंगन में आकर बैठ जाती, अपने अपने घर के आंगन में बैठ जाती और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती। मतलब कहती कि आप कैसी हो, वो कहती आप कैसी हो, वही चीज़। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने अपने आंगन के दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार को भी तोड़ दी। कहने का मतलब, जो दीवार थी दोनों के बीच में, उन्होंने उसको भी तोड़ दिया। उनमें इतना प्रेम था, किसमें, शारदा और कंचन में। तो आप आगे देखेंगे, बात को समझेंगे। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी दोनों एक दूसरे के पसंद का पहनती उड़ती। माने खाना पीना तो अलग की बात है और आभूषण भी वो लोग वहीं पहनती थी, एक दूसरे का पसंद, एक दूसरे का पसंद कि वो जो कलर वह पहनती, वहीं सा वहीं कलर वो भी पहनती। कहने का मतलब भाव यह है, कहने का मतलब यह है कि बाकी गांव और गांव की औरतों से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार नहीं था, कोई लगाव नहीं था। बात समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि बाकी गाँव और गांव की औरत से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था, मतलब कोई लगाव ही नहीं था। वे दोनों अपने में ही मस्त थे। उनकी इतनी गाढ़ी मित्रता देखकर, उनकी इतनी गाढ़ी मित्रता देखकर गांव की कुछ औरतों तो भीतर ही भीतर उनमें कुड़ती भी थी, मतलब जलती भी थी। उनकी इतनी गहरी और अच्छी दोस्ती थी कि गाँव की कुछ औरत थी वे भी अंदर अंदर जलने लगी थी। और इस फिराक में रहती थी और इस फिराक में रहती कि किसी न किसी प्रकार उनमें फूट डलवाई जाए। और फिराक में भी रहती गांव की औरतें, गांव की औरत ऐसे होती ही हैं, जिन्हें कोई काम नहीं रहेगा वे क्या करेंगी, बस वहीं। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि कोई भी औरत आज तक उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो पाई। ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि आज तक कोई भी उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, भाई प्यार हो तो शारदा और कंचन जैसा, दोनों दो जिस्म और एक जान है, सगी बहनों में भी इतना प्यार ना होगा। किसने कहा, गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यू कंचन और शारदा दो जिस्म एक जान है, सगी बहन में भी इतना प्यार नहीं होगा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, कोई भी उनका भेद नहीं पा सकता था, अपनी मस्त थी दोनों, कोई भी उनका बात नहीं जान पाता था। उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ईश्वर उनकी गोद भर दे, यानी एक बिटवा दे दे और उनके बीच एक नन्ना मुन्ना खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती। एक बार गांव वालों ने देखा कि शारदा और कंचन के बीच एक बच्चा आ गया। बच्चा किसका है यह किसी को मालूम नहीं था। माँ बनने के भेद को दोनों औरतों ने पूरे गांव में छिपा लिया कि माँ कौन है, बच्चा आ गया लेकिन माँ कौन है, इस बात को कंचन और शारदा ने गांव से छिपा दिया। वे दोनों बच्चों का तन मन से बराबर लालन पालन करती, मतलब शारदा और कंचन दोनों बच्चे का तन मन से बराबर
लालन पालन यानी सेवा सत्कार करती। गांव के कुछ औरतों ने पूछा कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ने मुस्कुराकर रह गए। गाँव वाले पूछे कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों क्या करें, मुस्कुराकर रह जाती। गांव वाले बच्चे को भी कभी शारदा के पास देखते, गांव वाले जो हैं वो भी कभी गांव वाले बच्चे को भी बच्चे को कभी शारदा के पास देखते, कभी कंचन के पास देखते। कंचन उसे नहलाती संवारती तो शारदा उसे लोरियाँ देकर सुला रही होती। गांव वाले ये सब देख रहे हैं। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली माँ का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चों की असली माँ के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब पता नहीं चला कि इसकी माँ कौन है, तो गांव वाले भी जो उनके अंदर उत्सुकता था वो भी समाप्त हो गया। आगे देखेंगे। एक दिन लोगों ने देखते हैं यहाँ से फिर से एक दिन लोगों ने शारदा और कंचन को लड़ते देखा, ठीक है, देखा तो पूरे गांव के आश्रय का ठिकाना नहीं कि मतलब शारदा और कंचन कैसे लड़ सकती हैं। सब लोग बेचैन हो गए, आश्चर्य। समय के साथ उथल फुथल हुए विचारों ने उन दोनों सखियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया। दोनों स्वार्थी हो गई, जिसके कारण उनमें आपसी मन मुटाव पैदा हो गया। उनमें स्वार्थ आ गया तो आपसी मन मुटाव हो गया, मतलब मन ही मन में वे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मसला आया यानी पता चला कि दोनों ही बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। आगे देखेंगे। शारदा कहती कि बच्चा उसका है यानी शारदा अपना कर रही है, अपने लिए कर रही है, और कंचन उसी के बच्चे को अब उसे सौंपने से इनकार कर रही है। यानी शारदा कह रही कि ये मेरा बच्चा है और कंचन मेरे बच्चे को सौंप नहीं रही है, दे नहीं रही है। और कंचन कहती है कि बच्चा उसका है। कंचन कर रही है बच्चा उसका है मतलब बच्चा मेरा है, मतलब कंचन अपने लिए कर रही है कि बच्चा मेरा है, और शारदा कर रही है कि बच्चे को वो मेरा बच्चा है, वो मेरे बच्चों को सौंप नहीं रही है। अब कंचन कहती है कि बच्चा उसका है मतलब बच्चा ये कंचन अपने लिए कर रही है कि बच्चा मेरा है। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, पंचायत हुआ फैसला नहीं हुआ, क्योंकि इस बार का कोई प्रत्यक्ष गवाह ही नहीं था, यानी साक्षात कोई गवाह नहीं था कि बच्चा किसका है। वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया, उस समय तो झगड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बच्चे को किसने जन्म दिया पता नहीं, वास्तव में पता नहीं था। और उस समय क्या हुआ, झगड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। जब उनमें पंचायत में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। दोनों औरतों गांव के मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और मैंने ही जन्म दिया है। देख शारदा झूठ मत बोल, यह बच्चा मेरा है। किसने कहा, कंचन, मैंने इसे जन्म दिया है, आज तक तेरे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया, कहीं लोग तुझे बाज न कहने लगे। तो कंचन क्या करिए, शारदा झूठ मत बोल, ये बच्चा मेरा है, जन्म दिया है मैंने, तेरा कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तेरे मन में पाप आ गया, अरे कहीं तुझे लोग बाज न कहने लगे। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस पेज को पढ़ा, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुखिया जी बैठे हुए हैं और 2 औरत हैं और 1 बच्चा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुखिया जी यहाँ विराजमान हैं, 2 औरत हैं और 1 बच्चा है, और गांव वाले अपना सब देख रहे हैं। जानते ही हैं कि गांव झगड़ा होता है तो गांव वाले अधिक मजा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब चलते हैं
आगे की ओर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बास तो तू है। देखिए यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, बास तो तू है मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है। देख पा रहे हैं सभी लोग, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बास तो तू है जो मेरे लाल पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बास तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है। पापिन, मैंने तो यह सोचकर गांव वालों के सामने यह रहस्य नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बाज न समझ बैठे। ये कौन करे, ये शारदा, बास तो तू है और जो मेरे लाल पर हक जमा रही है। पापिन, मैंने तो यह सोचकर गांव वालों के सामने यह रहस्य नहीं खोला कहीं लोग तुझे बाज न समझ बैठे। मैं तो यही सोचती थी कि जल्दी ही भगवान तेरी गोद भी भर देगा, मगर तू तो बाज है जो मेरे बच्चे को हथिया कर अपना घर रोशन करना चाहती है। कौन कर रही है, यह शारदा कर रही है। अरे सुनो सुनो, गांव के मुखिया ने कहा। क्या गांव के मुखिया ने बोला, अरे सुनो सुनो, इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, पहले यह बताओ कि तुम दोनों में विवाद कैसे उत्पन्न हो गया, झगड़ा कैसे प्रारंभ हो गया। बच्चे को तुम दोनों बराबर का लाड़ प्यार दे रही थी, ठीक है। मैं बताती हूँ मुखिया जी, कंचन बोली। कंचन क्या बोली है कि मैं बता रही हूँ, पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर में हुई थी, मतलब शादी आगे पीछे, और पूरा गांव यह भी जानता है कि शादी और पूरा गांव यह भी जानता है कि शादी के कई वर्ष के बाद हम में से कोई माँ नहीं बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थी। गांव की औरतों से भी हम इसलिए अधिक नहीं घुलती मिलती कि कहीं वे हमें बात समझकर हमसे नफरत न करें, हमें दुनिया के ताने न सुनने पड़े। क्यों रे शारदा, यह सच है ना। मतलब कंचन कह रही है इतना बोलने के बाद फिर कर रही है कार्य, शारदा सही बात है कि नहीं, सच है कि नहीं। तो देखिए, हाँ सच है, मगर शारदा क्या बोली, हाँ सच है मगर। अब कंचन क्या कर रही है, अगर मगर मत कर, कंचन बोली अगर मगर मत कर। कंचन ने उसकी बात काट कर क्या बोली, अगर मगर मत कर, मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी सामने, मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी के सामने। किसने बोला, कंचन बोल रही है। अब शारदा क्या बोल रही है, मगर अब तू झूठ बोलेगी। तो कंचन क्या कर रही है, अरे जब अब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूँगी, मतलब अभी झूठ नहीं बोली थी तो अब क्या झूठ बोलेंगी। कौन कर रही है, कंचन। फिर शारदा, इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से तू मैं फिर शुरू होती, मुखिया जी ने कहा तुम चुप रहो और इसे अपनी पूरी बात कर लेने दो, ठीक है। शारदा को बोले कि तुम चुप रहो, इसे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो कंचन आगे बताओ कि क्या हुआ, मतलब मुखिया जी शारदा को रोक देते हैं कि इस पहले इसकी बात पूरी हो जाने दो। आगे प्रारंभ कर रहे हैं, होना क्या था मुखिया जी, तभी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। कंचन कह रही है, मुखिया जी तभी एक दिन भगवान जी मेरी सुन ली, मेरा पांव भारी हो गया, मैंने यह खुशखबरी शारदा को दी तो यह खुश होने के बजाय उदास हो गई। वाह बड़े बहाना, जब मैंने इससे इसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि बहन कंचन, हमारी शादी एक साथ हुई थी, भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं न जाने कब माँ बनूंगी और पता नहीं बनूंगी भी या नहीं। ये कौन कह रही है, यह कंचन कह रही है कि शारदा हमको ऐसा बोली, झूठ बोल रही है। गांव की औरतें तो तेरे माँ बनते ही मुझे बाज कह कह कर मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मतलब वह कंचन कह रही है मुखिया से कि शारदा बोली कि जैसी तू माँ बन जाएगी ना, मुझे लोग बाज कह के मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। अब आगे देखते हैं, ये आपका पेज समाप्त हुआ, चलते हैं अगले पेज की ओर, देखेंगे तू ऐसा क्यों सोचती है।
देखते हैं, तू ऐसा क्यों सोचती है, ठीक है, मतलब कंचन कर रही है शारदा को, मतलब मुखिया जी को बता रही है कि मैंने शारदा से ऐसा बोला, तू ऐसा क्यों सोचती है, भगवान ने चाहा तो तेरी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी, फिर भी मैं ऐसा करती हूँ कि अपने पैर भारी होने का भेद मैं किसी को नहीं बताऊँगी, अगर मेरे बच्चा होने तक भी तेरा पाँव भारी नहीं हुआ, कंचन कर रही है शारदा को, कंचन कर रही है मुखिया जी को कि मैं शारदा से ऐसी बोली थी, तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को माँ बनाकर पालेंगी, ऐसा ही हुआ, मेरा बच्चा हो गया, एक कंचन बता रही है मुखिया जी को, ऐसा झूठ बोल रही है, मगर इसकी गोद नहीं भरी तो हम दोनों ही बच्चे का पालन पोषण करने लगे, एक कंचन बोली बात, यह तो सब हुआ मगर झगड़े का काल क्या रहा, मतलब कंचन कर रही है, आप देखते हैं आगे, झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी जब इसने बच्चे से कहा कि मुझे मौसी कहकर पुकारे, मतलब शारदा मतलब कंचन कर रही है कि मुखिया जी शारदा बच्चे से बोली कि कंचन को मौसी बुलाओ, ठीक है, कहने मतलब बच्चे से कहा कि मुझे मौसी कहकर पुकारे, मौसी तो उसकी लगेगी ही, अब आप ही बताइए मुखिया जी क्या यह सुनकर मेरे सीने का सांप नहीं लौटेंगे, ठीक है, ये कौन कर रही है, कंचन कर रही है, भला कौन माँ ऐसी होगी जो अपने ही बच्चे के मुंह से माँ के बजाय मौसी सुनना चाहेगी, बस यही सुनकर मेरे मन में खटका पैदा हो गया कि यह मुझसे मेरे बेटे को छीन लेना चाहती है, यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह बच्चा मेरा है, शारदा चीख कर बोलती है, फिर मतलब इतना कहने के बाद शारदा चीख कर बोलती है, यह बच्चा मेरा है मुखिया जी, यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह बच्चा मेरा है, ऐसा शारदा ने चीख कर कहा, आगे देखते हैं यहाँ से फिर से, मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ, ये कौन करिए, शारदा करिए, और सही बात भी है, यहीं बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कराकर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है, मतलब शारदा क्या बोलती है, देखिए, मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ, यहीं यानी कंचन बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलाकर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है, मैंने ही से कहा था कि जब तक तेरा कोई बच्चा नहीं होता तू मेरे बेटे को अपना बेटा समझ, मैं क्या जानती थी कि यह मेरे उपकार का यह बदला देगी, कहकर शारदा आंचल से मुंह ढाप कर फूट फूट कर रोने लगी, यह झूठी है मुखिया जी, यह झूठी है, मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है, वो मतलब फूट कर रोती है, कहती है झूठी है मुखिया जी, यह झूठी है, मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है, मुखिया जी को दोनों ही औरतों का विलाप सच्चा नज़र आ रहा था कि दोनों सचमुच में माँ अपने बेटे के लिए रो रही हैं, अतः वह समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला किसके हक में करें, न ही वह यह सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है, कौन, मुखिया जी सिद्ध भी नहीं कर पा रहे थे, देखो अंत में अपने बाकी पंचायतों के विचार विमर्श करने के बाद मुखिया जी बोले, अंत में बाकी पंचों से मतलब सबसे पांचों लोग से पूछे, मुखिया पांच होते हैं ना, पांच लोग आपस में होते हैं वही चीज़, मुखिया जी से बोले, अब मामला बड़ा पेचीदा है, बड़ा कठिन मामला है जो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता, यह तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठी है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है, यह मुखिया जी बोले, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इस मामले को हम राजदरबार में ले जाएंगे, यानी राजा के पास लेकर जाएंगे, इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई, दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई, मतलब उसकी बुराई वो कर रही है, उसकी बुराई वो, झगड़ा अपने में भुड़भुड़ा रही है, मतलब वहीं अपने अपने घर को चली गई, ठीक है चली गई, दूसरे दिन मुखिया ने मामला राजदरबार में प्रस्तुत कर दिया, राजा के पास सब बता दिए,
अब तक आसपास के गांवों व राज्यों के अन्य हिस्सों में भी इन अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल गई। अब देखिए यह बात कहाँ कहाँ फैल गया, आसपास गांव में, राज्य में, अन्य हिस्सों में इस अनोखे मुकदमा का चर्चा फैल गया। अतः राजदरबार खचाखच भरा हुआ था, खचाखच भर गया, राजा का मन भर गया जनता से। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। सभी लोग जानना चाहते थे, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। देखिए महाराज यह जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार माँ दो हैं, और इस बात का कोई गवाह भी नहीं कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज जी गहरे सोच में डूब गए, चिंता में सोच गए, विचार करने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। अब आगे देखते हैं, महाराज यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी अवधारण जी से कराएं। हे महाराज यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी अवधारण जी से कराएं। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, मतलब बहुत दूर से देखने वाले हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मुखिया जी बोले, हे महाराज यदि मेरी माने तो, ठीक है, झूठ तो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। मतलब कह रहे हैं कि उनसे कराइए अवसारण जी से, वे ईश्वर सच्चे भक्त हैं और झूठ उनके सामने टिक नहीं पाएगा, जो झूठा होगा वो पकड़ा जाएगा। देखेंगे आगे। हाँ मंत्री जी यह आपने ठीक कहा। देखिए यहाँ मंत्री जी बोले थे, मुखिया जी नहीं बोले थे, गलत हो गया वहाँ पे। देखिएगा, हाँ मंत्री जी ये आपने ठीक कहा, मतलब मंत्री जी कहे थे राजा से कि किससे कराइए, अवधारण जी से कराइए निर्णय। जिस घटना का कोई गवाह न हो उसका गवाह ईश्वर होता है, और वह ईश्वर किसी न किसी रूप में गवाही देने आ ही पहुँचता है। अब देखिए कहानी बहुत ज़बरदस्त है। वह कब और कैसे आता है वह एक ज्ञानी ही देख सकता है। ईश्वर कैसे आ सकता है वह एक ज्ञानी ही देख सकता है, और अवधारण जी सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल यह मसला स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दूसरे दिन महाराज मंत्रीगण आदि उस बच्चे दोनों औरतों को लेकर स्वामी अवधारण जी के दरबार की अवधारण जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था गांव वाले, जो इस विचित्र फैसले को सुनना चाहता था। कहानी ऐसी है ज़बरदस्त, ऐसा यह मामला ही है। कुछ ही देर बाद स्वामी अवधारण जी के सम्मुख यानी सामने उस मामले को रख कर महाराज ने कहा, मतलब बात बताए, और महाराज जी ने कहा, स्वामी जी अब तो न्याय आपके ही हाथ में है। आप ही इस विवाद का ऐसा फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत ज़बरदस्त पढ़ा, और अभी आगे हैं जैसा कि आप इसे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने जितना पढ़ा उतनी कहानी को आप लोग विधिपूर्वक सुने। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जल्द मिलेंगे।